कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मुतालिया करूँ नहजुल बलागा का, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, जो मेरे मौला के फरमान हैं, खुतबात हैं और वसीयतें हैं और मौला के इसी तरह से जो भी उन्होंने कलाम किया है वो उसमें दर्ज है, और बहुत ही खूबसूरत किताब है। अ फ्यू बुक्स जो मैं अपने पास रखती हूँ उसमें डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम कुरान हकीम, उसके बाद अहादीस की किताब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं, और उनके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा और जितने भी आइमा मासूमीन हैं उनकी सेइंग्स। पढ़ने से इंसान को जो सुरूर मिलता है और जो क्लैरिटी आती है और जो हिकमत हासिल होती है वो अपनी मिसाल आप है। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई इस बात को महसूस करता है। इमाम अली की जब मैं नहजुल बलागा पढ़ती हूँ, ख़ास तौर पे जब वो शॉर्ट जो सेइंग्स होती हैं, तो उसमें आई ऑलवेज से कि इतना हर एक लफ्ज़ में, हर एक जुमले के अंदर एक पूरी कायनात है। जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ फेजेस से हम गुज़रते हैं, और जब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं तो आपकी कई दफ़ा ऐसी मुश्किल हल हो जाती है इतने उस एक जुमले से, एंड यू बिकम अ टोटल डिफरेंट पर्सन एंड यू स्टार्ट टू सी एट लाइफ इन अ टोटल डिफरेंट वे, जो नॉर्मली हमें शायद नहीं हासिल हो सकती, यकीनन नहीं हो सकती। मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक सेइंग है कि जिसने अपने अयूब पर नज़र की वो दूसरों के ऐब से बेनियाज हो गया, यानी जिसने अपने ऐबों को देखा, यानी जो बुराइयाँ जो खामियाँ हमारे अंदर हैं, अगर हमारा सारा फोकस उसके ऊपर हो जाएगा तो हम जो लोगों की टो में रहते हैं, लोगों की हर वक्त हम बहुत सारी, मैं देखती हूँ कि ख्वातीन जो हैं वो बहुत बकायदा तैयार हो के पार्टीज़ और गेट टुगेदर्स और चीज़ों और जगहों में जाते हैं, और उस चीज़ का मकसद ये होता है कि बस हम जाके ये जानें कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अगर और वो ज़्यादातर जानना उन स्पेसिफ़िक लोगों से ही नहीं होता उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, बल्कि कोई तीसरा बंदा होता है जो किसी चौथे बंदे की के ज़िंदगी के बारे में और क्या क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है, और उसमें ज़ाहिर है आधी बातें अज्यूम्स होती हैं, अज्यूम की जा रही होती हैं। सो हम जो अपने अंदर एक वजूद रखते हैं, जो हमारे अंदर इस कदर इतना कुछ है जो ठीक होने वाला है, हमारी अपनी जो रूह है, हमारी अपनी जो सोचें हैं, उनको ठीक होने की और करने की इस कदर ज़रूरत है हमें कि हम इतनी कोशिश करने के बावजूद हमारे लिए सही सोचना इतना मुश्किल होता है। यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आप ये फैसला करते हैं कि मैंने आज किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, अगर कोई कुछ कहेगा भी तो मैं उसको दरगुजर करूँगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अपनी सोचों का ध्यान रखना है, एज इमाम सेज मुझे अपनी सोचों की हिफाजत करनी है। हम अपनी और अपनी सोचों की और अपनी रूह की अगर चाहें भी तो चाहकर भी हिफाजत नहीं कर पाते, तो हमने दूसरों के ऐबों के ऊपर क्या नज़र रखनी है। और यही मेरे इमाम की सेइंग कि जिसने अपने अयूब पर नज़र की वो इस कदर मसरूफ़ हो जाएगा, इतना वो बिज़ी हो जाएगा, इतना इस कदर मसरूफ़ होगा, क्योंकि इतने अयूब हम सब के अंदर हैं, इतना मसरूफ़ हो जाएगा कि वो किसी और की तरफ देखेगा ही नहीं। दूसरों जिसने अपने अयूब पर नज़र की वो दूसरों के ऐब से बेनियाज हो गया। मगर हम सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम बस ये सोच रहे होते हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने क्यों कहा, उसके पीछे क्या रीज़न था, ये नहीं सोचते हम। हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया और मुझे कह दिया। ये भी एक ऐब है कि किसी का ऐब है कि जिसके ऊपर आप नज़र रख कर बैठें। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हम वही बातें खुद से कर रहे होते हैं, हम वही चीज़ें जो लोगों को कह रहे होते हैं हम खुद कर रहे होते हैं, एंड वी डू नॉट
करेक्ट आर ओन सेल्फ। सो ज़रा सा शिफ्ट है, ज़रा सा एंगल है चीज़ों को देखने का। इफ़ वी डिसाइड दैट वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट अदर्स, इंस्टेड आई एम गोइंग टू लुक एट माई ओन सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू फिक्स दैट कैमरा ऑन मी, और मैं ये सारा दिन देखती रहूँ, मॉनिटर करती रहूँ, व्हाट एम आई थिंकिंग। यू नो एट टाइम्स आई आस्क माई डॉटर, जब वो जरा यूँ और इस तरह की शक्लें बनाती है या कोई क्रैंकी हो रही होती है, तो आई ऑलवेज आस्क आयत क्या सोच रही हो, आयत व्हाट आर यू थिंकिंग। आई कीप आस्किंग हर एंड एट द सेम टाइम आस्क दिस क्वेश्चन टू माई ओन सेल्फ कि मैं खुद क्या सोच रही हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सोच रही कि जिसका नुकसान मुझे खुद होने वाला है। बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ें हम दूसरों के लिए अच्छी सोच रहे होते हैं उसका भी फ़ायदा हमें होता है, जो चीज़ें हम दूसरों के लिए बुरी सोच रहे होते हैं उसका नुकसान उनको नहीं होता, उसका सबसे पहला नुकसान हमें होता है। अगर हम मौला की इस सेइंग को भी देखें तो मुझे जो मेरी नाकस अकल के मुताबिक जो चीज़ मुझे ये समझ आई है वो ये है कि हम अगर अपने अंदर ऐब रखते हैं तब ही हम किसी के ऐब देख सकते हैं, और अगर हम भी ऐब हैं तो हमें किसी के अंदर ऐब नज़र ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो होते हैं वो दिखते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी लोग कहते हैं ओह यू लुक सो ब्यूटिफुल, तो आगे से जो सुनने वाला होता है जिसकी तारीफ की जा रही होती है वही कहता है कि या कहती है कि आप खुद हसीन हैं, आपकी आंखें हसीन हैं, आपकी सोच और आपकी नज़र ऐसी है कि मैं आपको हसीन दिख रही हूँ। तो इसको अगर हम अब इधर ला के रखें, ऐब वाली अगर हम हवाले से देखें कि इमाम की वही सेइंग कि जिसने अपने अयूब पर नज़र की वो दूसरों के अयूब से नज़रअंदाज हो गया, इसी तरह से हमें अगर किसी की खूबसूरती नज़र आ रही है तो वो इसलिए आ रही है कि हम खूबसूरत हैं। अगर हमें लोग बुरे नज़र आ रहे हैं और हमारी किसी से बनती नहीं है और हम कहते हैं कि भाई मेरी दोस्त से उसमें तो ये मसला, उसमें ये मसला, उसके अंदर ये इश्यूज़ हैं, आई कैन नॉट टॉलरेट देम, आई कैन नॉट टेक देयर एक्स वाई जी यू नो बी एस, और आई कैन नॉट टेक दिस काइंड ऑफ एंगर और एटीट्यूड, उनमें तो बहुत मसले मसाइल हैं। इफ़ यू आर सेइंग दिस, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु सेइंग कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, भाई उनके अंदर ये इशू है, तो फिर एक लम्हे के लिए रुकना है। वी नीड टू पॉज, वी नीड टू लाइक यू नो स्टैंड, वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू आस्क आर ओन सेल्व्स कि कहीं मसला अपने साथ तो नहीं है। ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ अपनी तन्हाइयों को इंजॉय करते हैं और उसकी याद में रहते हैं, उन के साथ लोग होते हैं ना होने के बावजूद, और वो लोग अमीर होते हैं। तो इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो वरना अकेले रह जाओगे। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है मेरे मौला का, एंड आई होप हम इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें और अकेले ना रहें इंशाल्लाह।